आपके स्क्रीन पर कबीर की सांखी नज़र आ रही है। इसमें पूरी की पूरी सारे अक्षर के साथ स्पष्ट रूप से आपके सामने दोहे नज़र आ रहे हैं। आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लें। कुछ समय मैं आपको दे रही हूँ। बच्चों, अभी आपने कबीर की सांखी को पढ़ा। अब मैं आपको बताती हूँ कि कबीर की सांखी का अर्थ होता क्या है। बच्चों, साखी शब्द का अर्थ होता है साक्षी। यह एक तद्भव शब्द है। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, यानी कि प्रेजेंस नॉलेज। यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। इस ज्ञान के माध्यम से गुरु शिष्य को प्रत्यक्ष यानी अनुभव के ज्ञान को सही बताते हुए उसे शास्त्रीय ज्ञान से ज्यादा उपयोगी बतलाया है। साखी एक दोहा छंद है। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से कबीर ने सत्य की साक्षी देता हुआ यह गुरु ज्ञान की महिमा का बखान किया है। बच्चों, अब मैं साखी के पहले, दूसरे और तीसरे दोहे का अर्थ आपके सामने स्पष्ट कर रही हूं। बच्चों, पहली साखी है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपन तल शीतल करे औरन को सुख होई। ये आपके दोहे हुए। और बच्चों, अब इसका अर्थ मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रस्तुत साखी में कबीर दास कहते हैं कि मनुष्य को अहंकार त्याग कर ऐसी बातें करनी चाहिए जिससे स्वयं को शांति मिले और दूसरे सुनने वालों को भी सुख पहुँचे। अर्थात वाणी में मधुरता होनी चाहिए जिससे वह स्वयं को तो अच्छी लगे ही और दूसरों को भी सुनने में अच्छी लगे। बच्चों, अब मैं आपके सामने दूसरी साखी प्रस्तुत कर रही हूँ। कस्तूरी कुंडली बसे मृग डूढ़े बन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। प्रस्तुत पंक्ति में कबीर दास कहते हैं कि भगवान सबके हृदय में है, लेकिन मनुष्य भ्रम के कारण ईश्वर को बाहर मंदिर मस्जिद और ढोंगियों में ढूंढता रहता है। जैसे कस्तूरी मृग की नाभि में ही रहता है, परंतु वह उसको जंगल में घूम घूम कर खोजता है। इसलिए भगवान को अपने मन के अंदर ही खोजना चाहिए। बच्चों, अब मैं आपके सामने तीसरी साखी के दोहे प्रस्तुत कर रही हूँ। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखिया माही। ये आपके दोहे हैं। अब मैं इसका अर्थ आपके सामने स्पष्ट कर रही हूँ। कबीर दास कहते हैं, जब मनुष्य मैं का भाव रखता है, अर्थात अहंकार अभिमान का भाव रखता है, और जब तक मनुष्य में ये भाव रहता है तब तक उसे भगवान नहीं मिलते हैं। जब अभिमान मिट जाता है तब भगवान मिल जाते हैं, जैसे दीपक के जलने से सारा अंधकार मिट जाता है। इसलिए हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। बच्चों, हमने तीन साखी पढ़े। अब बच्चों, मैं आपके सामने चौथी साखी प्रस्तुत कर रही हूँ, जो आपके स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। कबीर दास कहते हैं कि संसार केवल खाने व सोने में मस्त है, जबकि सिर्फ खाना पीना व सोना ही मानव का उद्देश्य नहीं है। मानव की इस स्थिति को देखकर कबीर को रोना आता है। कबीर दास कहते हैं कि सारा जगत अपने सुख सुविधा में मग्न है, सभी भगवान को भूल गए हैं। बच्चों, अब आपको मैं पांचवी साखी यानी पांचवे दोहे के अर्थ को स्पष्ट करूंगी। सर्वप्रथम मैं आपके सामने दोहे बोल रही हूँ। बिरह भूगंभ तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी न जीवे जीवे तो बौरा होई। बच्चों, अब मैं इसके अर्थ को आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। कबीर ने ईश्वर के बिरह की बात कही है। ईश्वर रूपी बिरह का जहर किसी मंत्र व औषधि से नहीं उतरता, यह जहर तो राम का नाम जपने से ही उतरेगा। जो राम नाम नहीं जपेगा वह जीवित नहीं रहता है, मर जाता है, और अगर जीवित रह भी जाता है तो ईश्वर के बिरह में पागलों के जैसा हो जाएगा। बच्चों, अब आपके सामने मैं छठवीं साखी प्रस्तुत कर रही हूँ।
जिसके दोहे हैं, निंदक नेड़ा राखिए आंगणी कुटी बधाई, बिन सावण पानी बिना निर्मल करे सुभाई। बच्चों अब मैं आपको छठवीं दोहे का अर्थ स्पष्ट कर रही हूँ। कबीरदास कहते हैं कि मनुष्य को अपनी निंदा से नहीं डरना चाहिए, अपनी निंदा करने वालों को हमेशा अपने निकट रखना चाहिए, चाहे उसके लिए अपने घर के आंगन में ही घर क्यों ना बनवाना पड़े, क्योंकि अपनी निंदा सुनकर मनुष्य को अपने अंदर की बुराई को दूर करने का अवसर मिल जाता है। अपनी कमी को दूर करके मनुष्य अपना स्वभाव ही निर्मल बना लेता है। इस तरह से बिना साबुन व पानी से हृदय मन की भी सफाई हो जाती है। बच्चों अब मैं आपके सामने सातवें दोहे यानी कि कबीर की साखी नंबर 7 प्रस्तुत कर रही हूँ। पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, एके आखिर पीव का पड़े सुपंडित होए। ये कबीर की साखी बहुत प्रसिद्ध है और आप लोगों ने इसको हमेशा सुना होगा। कबीरदास कहते हैं कि पुस्तकों को पढ़ते पढ़ते संसार के लोग मरते जाते हैं, लेकिन पंडित कोई भी नहीं होता है जो एक अक्षर का प्रेम की वाणी को पढ़ लेता है, प्रेम के अक्षर को पढ़ लेता है, वही पंडित या ज्ञानी हो जाता है। बच्चों अब आपके सामने मैं कबीर की 8वीं साखी प्रस्तुत कर रही हूँ। हम घर जा लिया आपना लिया मुड़ादा हाथी, अब घर जालो तासका जे चले हमारे साथी। कबीरदास कहते हैं कि मैंने तो ईश्वर रूपी प्रेम का मसाल जला लिया है और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो मेरे साथ चल पड़े हैं, पर कबीरदास कहते हैं कि गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्ति को त्यागना है पर अपने कर्तव्य को नहीं त्यागना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि अगर हम अपने घर के अपनी सारी जिम्मेदारियों को छोड़कर सन्यासी बन जाएंगे तो ये हमारा धर्म नहीं है। हमारा धर्म है अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए ईश्वर को याद करना। बच्चों आपके सामने मैंने कबीर की साखी को अर्थ के साथ प्रस्तुत किया है। आपकी स्क्रीन पर अर्थ के साथ कबीर की साखी लिखी हुई है। आप इसे सुंदर अक्षरों में अपने कॉपी पे उतारेंगे और इससे संबंधित अगर कोई समस्या या कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। धन्यवाद।